दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले 39वें दीक्षांत समारोह के तहत बुधवार को शिक्षा संकाय के तत्वावधान में नई शिक्षा नीति 2020 विषयक व्याख्यान माला का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाइब्रिड मोड में संवाद भवन में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के शिक्षा संकाय के आचार्य CB शर्मा ने कहा कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। आजादी के समय 70% साक्षरता दर थी, जबकि आजादी से 100 वर्षों पूर्व 97% साक्षरता दर थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर व्यापक फीडबैक लेकर तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति भारतीयता को बढ़ावा देते हुए माटी से जुड़े हुए छात्रों को तैयार करने की बात करती है। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथि परिचय एवं माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सहित शिक्षक गण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षा संकाय अधिष्ठाता नरेश प्रसाद भोक्ता ने बताया। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े रहेंगे तो सर माँ सरस्वती सुंदर परम पावन सकल वेदा के तप धन देख सुंदर परम पावन धन नाथ गुरु को रक्ष की यह साधना की भूमि आराधना की भूमि जब तक हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के कॉलेजेस में उसमें नहीं चेंज करेंगे नहीं हमने कोशिश किया। मैंने देखा कि वहाँ आसान था, मैंने देखा कि 9% का है। मैंने नए कोर्सेज को चलाए, कुछ कॉलेज की फैसिलिटी ठीक की, कुछ अच्छी बातें की कि नई यूनिवर्सिटी बनी है तो बच्चे को बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट। और मैंने उसका जो मेजर था कि जो सिस्टम उसका लेट चलता था वो अकेडमिक सेशन 3-4 साल पीछे चलता था, मैंने टाइम पे कर दिया। अलग अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आ गए और जब मैं छोड़ गया तो 9% का 18% ग्रास रूट रेशियो हो गया। मैं प्रोफेसर नरेश प्रसाद भोक्ता अधिष्ठाता शिक्षा संकाय के दीक्षांत समारोह में एक सप्ताह पूर्व से ही अकादमिक कार्यक्रम लगातार चलते हैं और विभिन्न संकाय व्याख्यान आयोजित करता है जिसमें देश के प्रतिष्ठित विद्वान अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं और उसकी अध्यक्षता माननीय कुलपति जी करते हैं। आज 39th कन्वोकेशन सप्ताह का प्रारंभ शिक्षा शास्त्र विभाग एवं शिक्षा संकाय के द्वारा आयोजित व्याख्यान के द्वारा किया गया, जिसमें प्रोफेसर CB शर्मा जो कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं और जो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डायरेक्टर रहे 5 साल, उनका व्याख्यान हुआ जिन्होंने कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत नए भारत के निर्माण में भूमिका निभा सकती है इस पर विस्तृत प्रकाश डाला और उन्होंने न केवल उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट किया वरन इसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, कैसे इसका लाभ मिले नए भारत के निर्माण में, इस पर विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रगति के लिए उत्थान के लिए अनेक नवाचार प्रारंभ किए हैं, उन्होंने कैसे विश्वविद्यालय के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूरे गोरखपुर क्षेत्र या पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें
नेपाल और बिहार के भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, उनको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, कैसे वो आत्मनिर्भर हों, कैसे वो स्वावलंबी हों, कैसे बेहतर मौलिक रिसर्च हो और रिसर्चर्स को कैसे फेलोशिप दिए जाए, आदि सारी योजनाएँ हैं जो नई शिक्षा नीति से आती है। और माननीय कुलपति जी ने इस संदर्भ में अपने जो प्रकल्प हैं, जो आगे की योजना हैं, उस पर भी प्रकाश डाला। इसमें इस पूरे दीक्षांत समारोह की संयोजिका प्रोफेसर नंदिता सिंह, जो कि कला संकाय के अधिष्ठाता हैं, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया और यह कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ आयोजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।